लोकसभा चुनाव का आएगा रिजल्ट, तो पूरे देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार। एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत, तो आज चुनाव आयोग इसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 12:30 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलते हुए नजर आ रहा है और कल यानी 4 जून को तस्वीर परिणाम को लेकर भी साफ हो जाएगी। हरिद्वार से महावीर नेगी और देहरादून से धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। धनराज, कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, एक दिन का इंतजार महज नजदीक है, जो घड़ी है चुनाव की वो कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रही है, लेकिन उतनी हलचल लोगों के जहन में भी बढ़ते हुए कि आखिर किसकी होगी जीत और कौन करेगा हार का सामना। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कल जो है 4 तारीख है और 4 तारीख एक अहम तारीख है, क्योंकि सभी के नजरें जो है टीवी पर टिकी होंगी, पूरे देश की नजरें टीवी पर टिकी होंगी, क्योंकि कल जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है वो सामने आना है और कल ये फैसला हो जाएगा कि आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा। और इससे पहले देखिएगा कि कहीं ना कहीं बेचैनी नेताओं के अंदर देखने को मिल रही है, जो प्रत्याशी है उनके अंदर सबसे ज्यादा बेचैनी है। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो 500 सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो 500 सीटें हैं लोकसभा की वो किसके पाले में जाती हैं और किसके नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दावे कर रही है कि जो 500 सीटें हैं वो उत्तराखंड की वो कांग्रेस की झोली में जाएंगी। और वहीं देखिएगा कि जो दावा है बीजेपी का भी यही दावा है कि 500 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में आती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो 500 सीटें, बिल्कुल ये तस्वीर जो है वो कल साफ होते हुए दिखाई पड़ेगी। और आज चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। महावीर का भी रुख कर लेते हैं जो हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महावीर, अगर बात करें, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के परिणाम की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है, इसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और कल का सभी को इंतजार है कि आखिर कौन सी पार्टी आगे रहेगी। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की, तो इन 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी नजर आ रही है और एक बार फिर कांग्रेस नुकसान में। महावीर, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपकी आवाज को ठीक करे। एक बार फिर से धनराज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप ग्राउंड पर भी रहे हैं, आपने चुनाव के दौरान भी पूरी स्थिति को बताया कि किस तरह से जनता का मूड रहा है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलते नजर आ रहा है। देहरादून की जनता की बात करें, उत्तराखंड की जनता की बात करें, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस एग्जिट पोल पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए चुनाव के दौरान हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हमने जनता से यह बात जानी कि आखिर वो किसको पसंद करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पहली पसंद जो जनता की निकल कर आई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकल कर आई थी। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारे प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन देखिए जनता की यदि हम बात करें तो जनता का मुद्दा था कि विकास के कार्यों पर वो वोट करेंगे, इसके साथ ही उनका मुद्दा था कि जो मुद्दे हैं महंगाई का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जनता ने इस बार वोट किया है। और विकास की यदि हम यहाँ पर बात करें तो विकास सबसे अधिक जो किया है वो जनता का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास हुआ है, उत्तराखंड के अंदर विकास हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा चलती है और 4 धाम यात्रा के रास्ते जो है बड़े ही खराब थे और उनको लेकर ऑल वेदर रोड बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये 5 सीटें अपने खाते में डालने जा रही है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से महावीर का रुख करना चाहेंगे। महावीर, 4 जून का खासा बेसब्री से इंतजार पूरे देश भर के लोगों को कि आखिर 4 जून को क्या होगा। ऐसे में आप हरिद्वार से बने हुए हमारे साथ, वहां की जनता का क्या कुछ कहना है क्योंकि एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। और जो जनता का फैसला वो सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर
बिल्कुल, जितना मैं समझ पाई हूँ महावीर, कहीं ना कहीं जनता भी एग्जिट पोल पर विश्वास जताते हुए नजर आ रही है और इतिहास कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोहराते हुए बीजेपी नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया महावीर और धनराज आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए।